नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टीबैगर स्टॉक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 200 के अंदर से हमने 16 स्टॉक पिक किए हैं, जो कि आप चाहो तो स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी चल सकते हो। क्योंकि जो सारा के सारे जो स्टॉक हैं वो निफ्टी 200 के अंदर से लिए हैं, तो आप काफ़ी अच्छा खासा उनके ऊपर डिपेंड रह सकते हो कि वो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं बना कर देंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम लेते हैं स्मॉल कैप ले लेते हैं तो उनका भरोसा नहीं होता, वो ज़्यादा गिरावट भी उनमें हो जाती है, लेकिन ये जो 16 स्टॉक हैं इनसे हमें उम्मीद है कि इनमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे देख लेते हैं हमारा जो पहले वाला स्टॉक है, जिसका नाम है दोस्तों HCL टेक। रिसेंटली आपने देखा होगा HCL टेक के रिजल्ट आए थे, और उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। लगभग 1690 के लेवल से गिर के ये लगभग 1348 के लेवल पे आ चुका है। अब आप देख सकते हो इन पॉइंट को ये टच करता हुआ जा रहा है, और फिलहाल इसी पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है। 2022 का जो लेवल था दोस्तों, इसने उसी लेवल पे जाके लगभग रेजिस्टेंस लिया है। 1357 पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, और अगर यहाँ से ये एक वापसी करता है तो आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके चल सकते हो। RSI को देख लेते हैं, RSI देख सकते हो आप, ओवरसोल्ड जोन में आपको दिखाई दे रही हो। चलिए दोस्तों, दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, जिसका नाम है बाटा इंडिया। और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो लगातार इसमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर आप इन पॉइंट को टच करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका एक सॉलिड रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 1294 के लेवल पे एक आके रेजिस्टेंस लिया था इसने लास्ट टाइम 19 अप्रैल 2021 में, भी इन्हीं लेवल पे इसने रेजिस्टेंस बनाया था। वीकली RSI की बात करें तो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, और अगर आप यहाँ से बाइंग करना चाहें तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कल इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल अगर हम लेवल की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो इस ब्लू लाइन के ऊपर हो सकता है, जो कि आपको देखने को मिलेगी 1500 के लेवल की, और अच्छी खासी इसमें गिरावट हो चुकी है। आप देख सकते हो जो लास्ट जो रेजिस्टेंस था इसका था दोस्तों 24 अगस्त 2020 में, तो काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। और RSI की बात करें तो RSI आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ग्रीन लाइन से नीचे चली गई है, ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है, तो यहाँ से आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है बर्जर पेंट। और बर्जर पेंट की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग इसमें अभी फिलहाल 523 के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। RSI ने ओवरसोल्ड जोन को टच किया था, ग्रीन लाइन को टच किया था, और उसके बाद इसमें एक हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब जब दोस्तों आप देख सकते हो इस ग्रीन लाइन को टच किया है, इसमें एक अच्छी खासी पुल बैक आपको देखने को मिला है। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर भी टच किया था, और उसके बाद एक अच्छी खासी इसमें तेजी हुई थी, फिर उसके बाद गिरावट हुई थी। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेना चाहो, किसी ने अगर यहाँ इन लेवल पे लिया होता तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चल सकता था, फिर से गिरावट मिली थी, फिर से यहाँ पे पोजीशन बना सकता था। यहाँ पे इन लेवल पे भी अगर उसने प्रॉफिट बुक किया होता तब भी उसे काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा होता। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है LTN माइंट्री। RSI की बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है, अच्छे खासे बाइंग का मौका ये दे रहा है स्टॉक हमें। लास्ट टाइम आप देख सकते हो जब जून में इसमें गिरावट हुई थी, फिर उसके बाद हल्की सी इसमें तेजी हुई, फिर एक गिरावट हुई, फिर हल्की सी तेजी, फिर गिरावट, फिर हल्की हल्की सी तेजी हुई, और फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हो 5 अप्रैल 2021 के लेवल पर ये आपको फिर से अवेलेबल है। 5 अप्रैल 2021 में जो ये लेवल आपको देखने को मिल रहे थे, और उसके बाद एक अच्छी खासी भयंकर तेजी हुई थी इसके अंदर, और उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है दोस्तों, अगर आप चाहो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके चल सकते हो, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहो तो इन्हीं लेवल से बाय स्टार्ट कर सकते हो। अगला स्टॉक जो दोस्तों हमारी लिस्ट पर होने वाला है, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। और आप देख सकते हो इन लेवल पे इसने हर बार सपोर्ट लिया है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, फिर से एक बार यहीं पर सपोर्ट लिया है, और RBI की तरफ से इनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो भी हट गया है। कुछ जो प्रोडक्ट्स थे इनके ऊपर बैन लगा हुआ था वो हट गया है, और आप देख सकते हो RSI के अंदर भी एक ओवर सोल्ड जोन से एक अच्छी खासी वापसी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए दोस्तों आप इसको बाय करके चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है दोस्तों, उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। और काफ़ी लोग जुबिलेंट फूडवर्क में काफ़ी लॉन्ग टर्म से फंसे होंगे, और अब आप देख सकते हो ये गिर के दोस्तों लगभग
अगस्त 20 अगस्त के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, वापस से गिर के उन्हीं लेवल पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो एक मौका था, यहाँ पे जिसने बाइंग की होगी एक अच्छी खासी उसे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हुआ होगा, फिर से RSI में गिरावट हुई, फिर से एक पुल बैक रैली आई इसके अंदर। शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट अगर किसी ने बुक करना चाहा होगा तो यहाँ पे कर सकता था, और फिर से उन्हीं लेवल पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारी लिस्ट में है कोफोर्ज। कोफोर्ज में भी दोस्तों यहाँ पे 52 वीक हाई बनाया था और उसके बाद एक अच्छी खासी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम देखें तो इन्हीं लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। RSI इंडिकेट कर रही है ओवरसोल्ड जोन, ग्रीन लाइन को कट कर दिया है इसने, तो यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हो। लास्ट टाइम जब इसने इस ग्रीन लाइन को टच किया था तो आप देख सकते हो ये था ये वाले लेवल, और इसके बाद इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारी लिस्ट में है उसका नाम है LTTS। लेवल की बात करें तो RSI जो ग्रीन लाइन है लगभग उसी के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहो तो दोस्तों बाइंग करके चल सकते हो। इसने एक कोशिश की थी अपने 52 वीक हाई जो कि इसने बनाया था जनवरी 2022 में, उन्हीं लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी लेकिन उसे ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं हो पाया, उसके बाद फिर इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। इन लेवल से दोस्तों मेरा मानना है आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, और अगर नीचे के लेवल पे और ये आपको मिलता है तो और भी ज़्यादा इसमें बाइंग कर सकते हो। जो भी चार्ट दोस्तों आप देख रहे होंगे वो सब वीकली चार्ट है, तो इसमें जो गिरावट है हर एक वीक में आपको गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही होगी। अगर लास्ट टाइम किसी ने इसे ग्रीन लाइन पे जहाँ पे ग्रीन लाइन में कट किया है अगर यहाँ पे खरीदा होता तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट था दोस्तों, फिर इसके बाद फिर से अपनी ग्रीन लाइन के पास आया था, यहाँ पे अगर बाइंग की होती तो फिर से एक अच्छा खासा मौका था लॉन्ग टर्म के लिए से होल्ड करने का। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे लिस्ट में शेयर होने वाला है उसका नाम है परसिस्टेंट, और परसिस्टेंट में काफ़ी टाइम बाद आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, वरना ये शेयर दोस्तों हाथ नहीं आ रहा था, लगातार इसमें तेज़ी ही तेज़ी देखने को मिल रही थी। 52 वीक हाई की बात करें तो 4400 का इसने 52 वीक हाई बनाया था, उसके बाद इसमें गिरावट हो चुकी है, 50 MA के आसपास ये आपको देखने को मिल रहा है। RSI की बात करें तो लगभग अपनी ग्रीन लाइन के आसपास ही ये टच कर रहा है, वापस गिरावट हो चुकी है अच्छी खासी। लास्ट टाइम जब ये इसने टच करने की कोशिश की थी दोस्तों वो था जून 2022, और इस लेवल पर अगर आपने बाय किया होता तो लगातार आप देख सकते हो एक अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है दोस्तों साइंट। ये भी आपका IT सेक्टर से बिलोंग करता है, और इसमें भी काफ़ी लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये सितंबर 23 के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, और अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो दोस्तों जो इसका 52 वीक हाई था वो लगभग 2359 था, उसके बाद गिरावट हो गई लगभग 1798 1800 के लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट इसने पहले भी दिया था। RSI की बात करें तो RSI में लगातार गिरावट देखने को मिली और ग्रीन लाइन के आसपास ही अपने पहुँच चुका है, लगभग उसे टच करने वाला है, तो यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, और अगर नीचे के लेवल पर मिलता है तो और इसमें बाइंग कर सकते हो। फ्यूचर में ये दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, काफ़ी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाली कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों उसका नाम है PGH, प्रोक्टर एंड गैम्बल, और इसमें की अगर 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 1864 पे इसने 52 वीक हाई बनाया था, उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी ग्राउट हो चुकी है। RSI की बात करें तो आप देख सकते हो ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। लास्ट टाइम जब ये इन लेवल पे आया था वो था दोस्तों जनवरी 2022, लगभग 2 साल पहले के लेवल पे आपको ये फिर से अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहें तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एक सीधे सीधे ऐसे म्यूचुअल फंड की तरह ये सीधा 60 डिग्री के एंगल पे आपको चलते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट स्टॉक जो दोस्तों हमारी लिस्ट में होने वाला है उसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। एक लाइन ड्रॉ की है दोस्तों हमने यहाँ से, और आप देख सकते हो क्लियरली इन्हीं पॉइंट पे हर बार इसने अपना सपोर्ट बनाया है, फिर से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। RSI की बात करें तो ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही आपको देखने को मिल रही है, 37 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम जब ये RSI यहाँ पे पहुँचने गिरने के देखने को मिली थी तो उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिली थी, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे फिलहाल ही आपको अवेलेबल है। अगर आप इसे बाय करके चलना चाहो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए तो आप इसे बाय करके चल सकते हो। तो दोस्तों ये तो थे हमारे 16 स्टॉक, और जो 16 के 16 स्टॉक हैं वो हमने निफ्टी 200 इंडेक्स के अंदर से उठाए हैं, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बाय करना चाहो तो बाय करके चल सकते हो।
चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।